ये बैठे भाई बुद्धा महाराज देख रहे हो ना। राम राम मेरे सारे दोस्तों को। दोस्तों आज तारीख है 20 मार्च 2024। अभी मैं खड़ा हूँ काजा में और हमारे ये स्पीति टूर का चौथा दिन है। कल नाको से चले थे हम और काजा में स्टे किया था और एक होम स्टे में मैं रुका हुआ हूँ। जहाँ पर मैं रुका हूँ वहाँ का मैं आपको नज़ारा दिखाता हूँ कि पीछे कितना बढ़िया व्यू आ रहा है। और अभी टाइम बजे हैं 8 बजे के आसपास, धूप निकलनी शुरू हो गई है। ये देखिए दोस्तों, अभी मैं होम स्टे की छत पे खड़ा हूँ तो यहाँ से आपको कितना बढ़िया दिख रहा है, कितनी शाइनी शाइनी स्नो आपको दिखाई दे रही है धूप में। ये है काजा। अभी इस मौसम में भी बहुत ज़्यादा होम स्टे खुले नहीं हुए हैं, लिमिटेड ऑप्शंस ही हैं। कल मार्केट गए थे, मार्केट में भी जो था, कल मार्केट गए थे और मार्केट में भी अपना आधी शॉप खुली है आधी बंद है, पर फिर भी काम की ज़रूरत लायक चीज़ें तो मिल ही जाती हैं। अगर कोई आता है विंटर स्पीति करने भी तो ज़रूरत की चीज़ें उसे बाज़ार से मिल जाएंगी। एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, जिस होम स्टे पे मैं रुका हुआ हूँ ना, यहाँ देखो छतों पर ये मिट्टी बिछा रखी है थोड़ा गर्म करने के लिए, ताकि अपना जो है, ये देखो ये एक रूम है, इस पे भी मिट्टी है, उधर वो रूम है उस पे भी मिट्टी डाली हुई है। तो और ये भाई नीचे अंगीठी जल रही है, उसकी चिमनी है, यहाँ से धुआं बाहर आ रहा है, ये देखो। तो कुछ इस तरीके का व्यू हमें सुबह सुबह मिल जाता है। अभी थोड़ी देर में हम निकलेंगे यहाँ से अपने आगे के सफ़र पे, और जहाँ निकलते हैं क्या प्रोग्राम रहता है सब चीज़ें मैं आपको निकलते समय अपडेट करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर खुले में रात को अपनी गाड़ियाँ खड़ी थी, कंपास भी और जिमनी भी, देखते हैं। रात को टेम्परेचर तो जो गया था नेगेटिव में, जो लोवेस्ट था -18 था, अभी स्टार्ट करके चेक करते हैं कि क्या परफॉर्मेंस रहती है। पहले इसी करें, डीजल को स्टार्ट करते हैं, पहले इसी को ही मारते हैं हम। वो तो पहले सेल्फ में स्टार्ट हो गई थी। हाँ कल तो पहले में सेल्फ में नाको में हो गई थी स्टार्ट। अभी देखते हैं गाड़ी का क्या रेस्पॉन्स रहता है। ओ शाबाश, पहले ही में स्टार्ट हो रही है, बर्फ पड़ी है बिल्कुल, आप नीचे देख सकते हैं। हाँ ये देखो बिल्कुल बर्फ में खुले में, बारिश के बाद ना कुछ ढक रखा ना कुछ, अल्टीमेट परफॉर्मेंस भाई जीप। तो सारे इकट्ठे हो लिए भाई, सारे भाई अब चलन की तैयारी में हैं। नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस है जीप के साथ में। हाँ बहुत बढ़िया। तो आप एक बार जिमनी पे भी देख लें, इससे लंबा सेल्फ ले रही है वो पेट्रोल होने के बाद भी वो लंबा सेल्फ लेगी। हाँ वो लंबा ले रही है सेल्फ। चाबी कहाँ है राहुल? आपके पास है। अब चलो चाबी। तो भैया शुरू करते हैं, थोड़ा सा लंबा सा कल से और लंबा है हल्का सा, पर चलो ठीक है, पर ठीक है, स्टार्ट हो रही है गाड़ी, यहाँ चलती रहे वो बहुत है। बिल्कुल बिल्कुल सरप्राइजिंग है वो, कम मोटर सेल्फ स्टार्ट हो रही है, वो तो है ही, वो तो होनी चाहिए थी पहले। गाड़ी को स्टार्ट रखते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, उसके बाद निकलते हैं। ये वो रोड है जो सामने नाको की तरफ से आ रहा है, यहाँ से आते आते इस रास्ते से हम उतर के और कुछ ये होम स्टे पे हम रुके थे। तो चलो मैं एक बार आपको होम स्टे दिखा देता हूँ, किस तरीके का ये होम स्टे है। और इसकी हॉस्पिटैलिटी बहुत ही बढ़िया लाजवाब थी। यहाँ पर जो दीदी रहती है बहुत बढ़िया, उन्होंने हमारा वेलकम भी किया और फैसिलिटीज़ भी सारी अच्छी थी। लामडो होम स्टे है ये काजा में। चलिए मैं अंदर से रूम्स वगैरह आपको दिखा देता हूँ। ये अपनी एंट्री, ये यहाँ का जो मेन किचन का सेटअप है, यहाँ पर बैठ करके
खाना वगैरह खाते हैं और अपने ये रूम्स हैं, ये देखिए नीट एंड क्लीन रूम्स हैं। टॉयलेट अटैच है लेकिन सर्दियों में सबको पता है पानी जम जाता है, काम नहीं करते हैं, तो इसके लिए भी इन्होंने एक कॉमन टॉयलेट की अरेंजमेंट किया हुआ है जहाँ पर पानी मिल जाता है। ये देखिए एक ये रूम है, इसी रूम में रात हम रुके और यहाँ से पीछे का व्यू देखो क्या मज़ेदार है। ओह बोलते बोलते सांस अड़ जाते हैं भाई, हाइट काफ़ी है। अभी मैं आपको मिलवाता हूँ उनसे जो ये चलाते हैं। ये दीदी हैं जो यहाँ पर चलाती हैं, उनसे ताशी है नाम इनका, इनका नंबर मैं कॉन्टेक्ट में दूंगा, तो आप जो भी लोग आए जरूर यहाँ पर स्टे करें, बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी के साथ वेलकम होता है यहाँ। थैंक यू दीदी, मिलते हैं फिर किसी दिन। चलो अब चल दिए अभी अपने होमस्टे से। आज अपना रूट रहेगा क्या रहेगा अभी बताता हूँ। पहले ऊपर चढ़ते हैं फिर अपना डिसाइड करते हैं आज अपना क्या रूट रहेगा। वैसे जहां तक है यही है ना लेफ्ट, हाँ इधर ही दिया गया सबने, तो आज हम करने वाले हैं की मोनेस्ट्री, किब्बर और चीचम ब्रिज, उसके बाद अगर समय मिलता है लंगजा, हिक्केम, कॉमिक, जो जहां खुला मिलेगा सब भगते चलेंगे करते चलेंगे। तो दोस्तों ये है काजा में स्पीति का वो पॉइंट जहाँ आल आई लव स्पीति लिखा है। ये ले भाई। तो यहाँ सारे भाई हम इकट्ठे होके थोड़ी देर वीडियो वगैरह के लिए, रील वगैरह के लिए रुके हैं। ये देखो भी रील बन रही है, ये भाई रील बनवा रहे हैं। ये छोटे छोटे शिकारी भी इकट्ठे हो रहे हैं, सारे बिस्कुट खा रहे हैं। और ये देखो नज़ारा, तो दोस्तों आज का प्लान कुछ इस तरीके से है। सबसे पहले हम जा रहे हैं चीचम ब्रिज पे, उसके बाद वापसी में की मोनेस्ट्री और अपना जो किब्बर है वो अपना कवर करेंगे और फिर उसके बाद हिक्किम की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले का जो हमारा अभी डेस्टिनेशन रहेगा वो रहेगा चीचम ब्रिज। तो चलो चलते हैं। ये है ब्लैक आइस, पतली सी सड़क है, चीचम ब्रिज आ गया भैया, चीचम ब्रिज आ गया भैया। एक समय में एक ही वाहन पार करे पुल के ऊपर, दिस इज चीचम ब्रिज गाइस, नाउ फाइनली वी आर एट चीचम ब्रिज। एक एक करके निकलना है।
तो भाई लोग आप देख रहे हो ये अद्भुत नजारा चम ब्रिज से, ये देख लो भाई। तो भैया हम चल दिए हैं अब चिचम ब्रिज से चिचम गांव की तरफ, आगे देखते हैं क्या मिलता है और कहां तक जा सकते हैं। दोस्तों ये जो आप नजारा देख रहे हो, ये चिचम गांव से देख रहे हो, ये देखो ये है सारा का सारा सफेद मामला। और ये जो सारे जिसे सामने जो हमने कह रहे थे बिल्डिंग बनी हुई है, ये स्कूल है गांव का, ये देखो दोस्तों। तो ये जो ऊपर स्कूल है यहाँ गांव के ही बच्चे पढ़ते होंगे? हाँ, तो अभी खुला होगा क्या? अभी तो नहीं खुला होगा, अभी बंद हो जाता है इस मौसम में स्कूल? नहीं, नहीं। पेपर खत्म हुए? हाँ, अब खुलने वाला है। पेपर खत्म हुए होंगे मार्च में? अच्छा, तो आगे क्या है? वैसे जा सकते हैं वो प्लेटफॉर्म जो बना हुआ है? हाँ, वहाँ तो जा सकते हैं। वैसे आगे होगा कोई 2 किलोमीटर। अच्छा, इधर ये गाड़ी से जा सकते हैं इधर? हाँ जा सकते हैं, आपका तो 4x4 है। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमें लोकल आदमी मिले थे, इन्होंने बताया कि ये रास्ता सिर्फ स्कूल तक का खुला है, तो इसलिए ज़्यादा आगे जाने की जरूरत तो थी नहीं। पैक करके गाड़ी को अपने थोड़ा सा आगे ले गए फोटो वीडियो बनाने के लिए, पैक करके अभी गाड़ी चढ़ाने का अपना इशवात है। चलो बाकी यहाँ से फ्री होकर के वापस चलेंगे अपन चिचम ब्रिज की तरफ और आगे फिर कंटिन्यू करेंगे रास्ता काजा के लिए। देख रहे हो ना दोस्तों, देख रहे हो ना, ये होते हैं आईबैक्स, बहुत सारे हैं। एक तो बिल्कुल ही नज़दीक खड़ा है, और अगर आईबैक्स यहाँ है तो स्नो लेपर्ड भी आ सकता है, क्योंकि वो उसका मेन घूमते रहते हैं। देखे तो खेरा, उसका मेन उसका खाना ही है। कितनी मेहनत लगी होगी लोगों की और कितनी श्रद्धा लगी होगी, कितनी श्रद्धा से बनाई गई होगी ये, तो सारी चीजों का जो भाई नहीं 1855 में डेट एस्टेब्लिश्ड 11th सेंचुरी में। 11th सेंचुरी बोल रहे भाई, हम गलत पड़ गए, 11th सेंचुरी में बनी हुई है। तो और देखो ना आप कितना टाइम लगा, कितनी मेहनत लगी, कितनी श्रद्धा लगी लोगों की, तो अल्टीमेट रिजल्ट निकल के आता है जब लोग कोई चीज दिल से और प्यार से बनाते हैं। तो आ गए हम पार्किंग में भाई। एक तो ये मोनेस्ट्री ना इतनी हाइट पे होती है ना, चढ़ते चढ़ते सारी जान निकट जाए। ये भाई थक के बैठ गए, ये बैठे राहुल, और भाई मैं भी आफड़ लग रहा जो है बोले शंकर की। ये हमारा भाई दिल्ली वाला दोस्त जो बाइक पर आ रहा है युवान, ये हर जगह आगे ही पाता है हमारे से। ये ऊपर जाना है भाई, हाय मेरी माँ, भाई देसी वाला गम आगे जरूर है पर भाई सांस मारे भी चढ़े है। दोस्तों ये हम खड़े हैं की मोनेस्ट्री की छत पे, तो यहाँ से देखो क्या बढ़िया हम आपको नजारा देखने को मिल रहा है। अभी देखो नजारा कितना बढ़िया है इस टाइम पे, तो जनवरी और फरवरी में क्या सीन रहता होगा हम खुद ही इमेजिन कर सकते हैं। ये देखो यहाँ घर बने हुए हैं शानदार भाई। ये भाई कॉमिक नहीं, हिक्किम जा रहे हैं। पहले हम हिक्किम का रास्ता
खड़ी चढ़ाई है और अपना अभी पीछे तक तो मैं इसको ड्राइव मोड पे ही ले आया था, ऑटोमेटिक जिम नहीं है अपनी, पीछे तक तो मैं इसको ड्राइव मोड पे ही ले आया था, लेकिन अब जा करके मुझे सेकंड और फर्स्ट गियर की जरूरत महसूस हो रही है। कहीं कहीं फर्स्ट और सेकंड में डालना पड़ता है, फिर बाद में डी में शिफ्ट करके काम चल जाता है, क्योंकि कहीं कहीं खड़ी आ जाती है चढ़ाई तो वहां पर ये थोड़ा सा दबने लग जाती है, बाकी तो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस चल रहा है। ये है भाई असली ब्यूटी, असली सफेद बर्फ, नीचे तो मैली थी, यहाँ पर है बिल्कुल वाइट, वो वाइट जिससे कोलगेट ऐड करती है, टिंग टोंग आती है ना तत्व पे चमकारे मरने वाली चमक, दैट इज इट। तो कॉमिक को जा रहा है रास्ता, और एशिया का वो हाईएस्ट मोटरेबल विलेज है कॉमिक, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना, बात तो सही है। तो भाई यहाँ से ये वाला रास्ता तो जा रहा है किम के लिए जो बंद है, बस यहाँ से साइन बोर्ड लगा हुआ है यहीं तक जा सकते हैं अपन, इसके बाद तो बंद है। तो अभी जा रहे हैं अपन लांगजा की तरफ, इधर रास्ता जो सीधा खुला हुआ है बस उधर ही की तरफ जा रहे हैं भैया। अब हम चल रहे हैं लांगजा में जो बुद्ध का स्टेचू बना हुआ है उसकी तरफ, इधर एक वो भी बताया अपने को कैफे, सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, नाश्ता वगैरह नहीं किया, तो अपन थोड़ा बहुत खा पी भी लेंगे, नाश्ता किया तो लंच वंच सब कुछ हुए हुआ इकट्ठा, तो चलते हैं अब बुद्धा स्टेचू की तरफ। गधे बहुत है ना हाँ खुला हुआ है, चलो जी जो हाँ जो मिल जाए खाने को अपना। ये बैठे भाई बुद्धा महाराज, असली नज़ारे तो चारों तरफ के यही ले रहे हैं, ये देखो ये है भैया डंकर मोनेस्ट्री, यहाँ तक गाड़ी आती है, पार्किंग बनी हुई है, आगे है अपना पैदल के जाने का रास्ता मोनेस्ट्री के लिए। यहाँ से आगे मोनेस्ट्री के लिए रास्ता है, तो ये आ गए भैया हम डंकर मोनेस्ट्री। एंट्री गेट कौन कर रहा है दोनों लिए? मैं कह रहा हूँ। अच्छा आप कह रहे हो, ये है ऊपर मोनेस्ट्री पे जाने का रास्ता, यहाँ से आपको दिखाता हूँ पहले, ये देखो भाई ये मोनेस्ट्री बहुत पुरानी है, अभी पता करता हूँ मैं कितनी पुरानी ये मोनेस्ट्री है, और यहाँ से नज़ारा देखो भाई, हर मोनेस्ट्री से ना व्यू लाजवाब मिलता है एक से एक, क्योंकि सारी ही तो सारी मोनेस्ट्री ऊपर पहाड़ के टॉप पे बनी होती है, देखो पीछे